सुफानी गाइस हमने इसको पकड़ लिया, अभी लाइट बार के आपको दिखाते हैं। सुफानी गाइस देख सकते हो, अभी हमने रात को ही कबूतर को पकड़ा है, तो अभी आप जो आपको दिन में इसको शोक कराएंगे। सो हेलो गाइस, मैं अरविंद आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है पिजन लवर हाई फ्लाइंग्स। आई होप आप सब अच्छे होगा, आपकी कबूतरबाजी बढ़िया चलोगे और आपके सारे पेट एनिमल अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपने आज का थंबनेल देखा, सो दोस्तों सही में मैंने एक कबूतर को पकड़ा था, रात को पकड़ा था, ठीक है दोस्तों। तो उस कबूतर को मैं अभी आपको शोक कराऊंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, कबूतर को खोलता हूँ, कबूतर को दाना देता हूँ उसका, दोस्तों मैं उस कबूतर का आपको शोक कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो बिना देरी के जैसे तो मैं ताला तो खोल ही दिया, ठीक है, तो अभी गेट को भी खोलते हैं उसका, दोस्तों मैं आपको कबूतर को शोक कराऊंगा। तो यहाँ पे मैंने कबूतर को खोल दिया, तो अभी कबूतर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और जैसे तो दोस्तों हमने जंगली को देखा, जैसे दोस्तों पकड़ा था मैंने, यहीं पे बैठा हुआ है। ये दोस्तों ये पता है क्या करता है, ये ना दाना नहीं खाता है, इसको मैं डेली खोलता हूँ, दाना नहीं खाता है। तो अभी देखते हैं, बाहर खोल के देखते हैं दाना खाएगा कि नहीं खाएगा। और जो हमने कबूतर पकड़ा था वो ये रहा, ठीक है, और बाकी सारे हमारे ये कबूतर है। तो अभी इनको बाहर निकालते हैं उसका, दोस्तों इनको जो अभी दाना खिलाएंगे और आपको शोक भी कराऊंगा पकड़ के, कैसा कबूतर जो हमने रात को पकड़ा था, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था, इसलिए मैंने रात को शोक नहीं कराया। आपको अपने वीडियो भी देखा होगा, क्लिप जो मैंने लगा दिया था, और अभी जो एक क्लिप भी लगा देता हूँ दोस्तों, पहले कबूतर को खोलता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं एक क्लिप लगा रहा हूँ, उसको जाकर देखो दोस्तों कैसा जो हमने रात को कबूतर को पकड़ा था। और रखें छत पर कबूतर को पकड़ने के लिए, हमारे सामने बैठा हुआ है, लेकिन अभी मैं चुपचाप बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं उड़ ना जाए, ठीक है, यहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखते हैं पकड़ाता कि नहीं पकड़ाता, आपको दिखाऊंगा, जैसे पकड़ूंगा वैसे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सुफानी गाइस हमने इसको पकड़ लिया, अभी लाइट बार के आपको दिखाते हैं। सुफानी गाइस देख सकते हो, अभी हमने रात को ही कबूतर को पकड़ा है। सुफानी गाइस आपने जैसे क्लिप देखा होगा, क्लिप कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बता देना। सोचते अभी हमने गेहूं भी ले लिया, तो अभी कबूतर को दे देते बिना देरी के। सारे कबूतर बाहर खुल चुके हैं और आपको दिख रहा होगा, यहीं है पहले वाला कबूतर, ये जो हमने पकड़ा था रात को। तो अभी आपको शोक भी कराऊंगा, तो कबूतर बहुत ज़्यादा भूखे, मैंने दाना दे दिया है यहाँ पे। और आज मैंने पिन भी लगाया था बच्चे को, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो मैंने इसको पिन लगा दिया, ठीक है। और जंगली कबूतर अभी अंदर ही है, मैं उसको जैसे बाहर छोड़ता हूँ ना, तो वो इधर इधर उधर भागने लगता है, दाना भी नहीं चुकता है, भागता है, बहुत डरता है। तो अभी इसको मैं बाहर निकाल के देखता हूँ, देखता हूँ बाहर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, देख सकते हो ये रहा जंगली कबूतर। और दोस्तों अभी मैं इसको बाहर छोड़ूंगा ना कबूतर के साथ, तो देखना दोस्तों कैसे हरकतें करेगा ये। देखो दोस्तों मुर्गा बन चुका है फिर भी हरकतें करता है, देखो कैसा हो रखा है। फिर भी इसको अगर मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा दोस्तों, तो कबूतर के पास शायद दाना चुगे। अभी देखो दोस्तों, देखो अभी भी मतलब उछलने के चक्कर में लगा हुआ है, भाग जाता है उधर उधर चला गया। देखो दोस्तों दाना नहीं चुग रहा है, पता नहीं कैसे कब से वो दाना चुगने लगेगा, अभी भी डरता ही रहता है, ठीक है। जबकि मैंने कबूतर को खोल रखा है और मैं उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, फिर देखो दोस्तों कहाँ चला गया वो। तो मैं उसको अभी बिना देखे उधर से लेके आता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों कैसे वो उस पर बैठ गया, देखो दोस्तों कितना डर रहा है ये, देखो दोस्तों देखो देख रहे हो कैसे बैठ रखा है, देखो दोस्तों आज फाइनली मैंने उधर से उसको पकड़ के ले आया। अभी देख सकते हो अभी भी वो मतलब वहाँ बैठा हुआ है, दाना नहीं चुग रहा है। अभी उसको हाथ से खिलाना पड़ता है दाना, नहीं तो अगर भूखा रहेगा तो मर ही जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मतलब अभी भी काफ़ी डर रहा है, तो अब देखते हैं कब तक भाई हमारे कबूतर के साथ दाना चुगता है। जैसे हमारे कबूतर के साथ दाना चुगने लगेगा और डरना बंद कर देगा, तो इसका हम जोड़ लगाएंगे, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ हमारे एक जो कबूतर है उसका जोड़ पाड़ने का भी सोच रहा हूँ, तो अभी देखते हैं जोड़ पाड़ते कि नहीं पाड़ते। अभी देखो वो आ रहा है, शायद दाना चुगे, काफ़ी ज़्यादा डरता है, ठीक है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे कबूतर से दाना चुगे। दो तीन दिन हो गया इसको लाए हुए, आपने जैसे कि वीडियो भी देखा होगा, दो तीन दिन हो गया, फिर भी जो दोस्तों ये बहुत डरता है कबूतरों से। और ये हमारा कबूतर जो हमने नया पकड़ा था, ये रहा बैठा हुआ है। तो जैसे कबूतर दाना चुगते हैं वैसे मैं दोस्तों आपको उसको पकड़ के सुखा शोक कराऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारी जो कबूतरी थी ना काली वाली, इसको शायद लकवा भी हो गया, बीमार हो गए काफ़ी ज़्यादा, और इसका हम इलाज करें ठीक ही नहीं हो रही है। अगर आपको कुछ पता हो इलाज, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं इसको सही से ठीक कर लूँ। लेकिन बाकी दाना तो उठा लेती है, लेकिन देख सकते हो दोस्तों ये मुंडी हिलाती है, देखो पूरा मुंडी पूरा गोल कर लेती है, जैसे अगर पेटी में जाती है ना तो काफ़ी ज़्यादा मुंडी गोल कर लेती है। तो अभी कबूतर दाना चुका है, कबूतर दाना खत्म हो गया, थोड़ा बहुत और दाना गिर देता हूँ दोस्तों। ये रहा हमारा गेहूँ, थोड़ा सा गेहूँ निकाल लेते हैं दोस्तों। हमने गेहूँ ले लिया, दे देते हैं, इतना काफ़ी होगा। मैं उधर ही फेंक देता हूँ ताकि वो भी चुग ले, तो मैंने उधर ही फेंक दिया और मैं दूर आ गया हूँ ताकि वो चुग ले। फिर भी देखो दोस्तों डर के मारे उधर जा रहा है,
अभी शायद मेरे ख्याल से एक हफ्ते तक वो ऐसे ही हरकतें करेगा, लेकिन वो पालतू कबूतर है लेकिन जंगली में हिला हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं ये कब तक हमारे साथ, मतलब हमारे कबूतर के साथ दाना चुगेगा। अभी तो मतलब मैं डेली जब भी खोलता हूँ ना, तो जैसे खुलता है ना उधर उधर चला जाता है, कट्टे के नीचे दब जाता है, कहीं चला जाता है, मतलब कबूतर के पास नहीं आता है बताओ, जबकि वो कबूतर ही है, ठीक है। तो अभी देखो दोस्तों वो उधर जा रखा है, हमारे कबूतर दाना चुग रहे हैं। जैसे कबूतर दाना चुग लेंगे ना, वैसे दोस्तों मैं आपको पकड़ के शो कराऊंगा। सो फाइनली गाइस सारे कबूतर ने दाना चुग लिया और कबूतर भी इधर उधर चल चुके हैं और यहाँ यहाँ बैठे हुए हैं सारे कबूतर, ठीक है। यहाँ पर सारे कबूतर ने दाना भी चुग लिया और यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं। और दोस्तों आज पता है हमने जो पानी में ना स्टीम मिला कबूतर को पिलाया था, देख रहे थे कैसा रिएक्शन था। तो स्टीम पीने के बाद कोई नॉर्मली था, कोई उतना नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि जैसे डेली में पानी देता था ना तो पानी कम पीते थे, लेकिन स्टीम जब दिया था ना तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी बार 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 पी लेते, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सारे कबूतर जो है यहाँ पर खुले हुए हैं, तभी क्या करता देखो दोस्तों जंगली कबूतर देखो वहाँ पर बैठा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ओरा उधर कोने में जाके बैठा हुआ अकेले में। तो अभी आपको मैं इस कबूतर को पकड़ के शो कराता हूँ बिना देरी के, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले अंदर ले जाता हूँ, ठीक है, उसका दोस्तों मैं आपको पकड़ के शो कराऊंगा। दोस्तों ये सबसे पहले वही जा रहा है, देखो दोस्तों जैसा लग रहा है जैसे मेरे घर का ही हिला हुआ कबूतर हो, ठीक है। तो यही कबूतर हमने रात को पकड़ा था, अभी आपको इसको शो करवाते हैं, अभी आपको इसको शो कराते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले अभी दोस्तों आप इसकी आँख का शो करिए, ये पहली आँख थी दोस्तों, इसके सेकंड आँख की भी शौक करो, बिल्कुल सेम है दूसरी आँख भी, ठीक है। काफ़ी अच्छी आँख है, पीली सी आँख है और ब्लैक चोच है, ठीक है। और इसके ऊपर का शौक करिए, हमने पिन लगा रखा है, ठीक है, कैच नहीं मारा है और बड़ा कबूतर है, काफ़ी मोटा कबूतर, ठीक है दोस्तों। जैसा लग रहा है बहुत लंबा कबूतर है, देखो दोस्तों काफ़ी लंबा कबूतर लग रहा है। और इसके पूँछ का शौक करिए दोस्तों, देखो दोस्तों, देखो दोस्तों कितनी बड़ी पूँछ है, लंबी सी पूँछ है, ठीक है, ये देखो दोस्तों। और इसके पूछ के पंजे का शो करिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा पंजा है, देखिए दोस्तों बिल्कुल लाल पंजे हैं। और इससे दोस्तों पंजे भी पैर पर भी आ रहे, ठीक है। तो दोस्तों इस कबूतर नस्ल का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको शेयर करना है, बताना है आपको कि कबूतर कौन सा नस्ल का है। वैसे मुझे पता है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि ये कौन सा नस्ल का कबूतर है। और कबूतर का बता देना कैसा लगा आपको, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कबूतर कैसा लगा आपको। तो ये हमने पकड़ा था कल रात को, मैं कल रात को आपको शौक नहीं करा पाया था, तो कबूतर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये कबूतर काफ़ी ज़्यादा मोटा है, तो देखते हैं ये उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। वैसे तो उड़ के ही आया था, जब मैं जैसे कल के समय था, जैसे मैं कबूतर को दाना चुगा के और जा ही रहा था पेटी बंद करके, तो जैसे मैं गया तो उधर साइड एक कबूतर बैठ गया था, ठीक है। तो जैसे ही मैं कबूतर बैठा ना, तो वैसे मैं घर जा रहा था मतलब कुछ काम से, तो मैंने रोहित भाई को बोला, रोहित भाई जाओ वहाँ पे कबूतर बैठा था, रोहित भाई कबूतर लेके गए। तो जैसे वहाँ पे जाकर रोहित भाई ने उतार रखा था, वहाँ पे बैठा हुआ था कबूतर, तो थोड़ा शाम सा हो गया था। जैसे मैं वहाँ गया ना तो मैंने देखा उस कबूतर को, तो मैंने पकड़ा था, तो हमने यही कबूतर को पकड़ा था। कबूतर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। और हमारे सारे कबूतर दाना चुग चुके हैं, तब थोड़ी देर बाद कबूतर को भी बंद कर देंगे। और जंगली कबूतर अभी भी कुंड में बैठा हुआ है, पता नहीं कैसे, मतलब वो काफ़ी डर रहा है, ठीक है, पता नहीं कब हमारे कबूतर के साथ दाना चुगेगा और वो मगन होगा। अभी तो काफ़ी ज़्यादा डरता है, दूर में बैठा रहता है, तो अभी हम इसको भी हाथ में खिला देते दाना, क्योंकि अगर वो दाना नहीं खाएगा तो मर भी सकता है। तो अभी मैं पहले कबूतर को बंद करूंगा, उसके बाद दोस्तों मैं हाथ से जो उसको दाना खिलाऊंगा। क्या सारे कबूतरों ने दाना चुग के अंदर हो चुके हैं, दिख रहे होंगे आपको। और ये हमारी लोको बड़ी कबूतरी, और ये सारे कबूतर बंद हो चुके हैं, तो अब इसको जो हैंड फीडिंग करा देते हैं, हाथ से दाना चुगा देते हैं, क्योंकि इसने एक भी दाना नहीं खाया, इसका पोटा बिल्कुल खाली हो रखा है ना लोहड़ी। सो गाइस हमने इसको जो यहाँ पर पकड़ लेते हैं, क्योंकि बहुत इस चंट है, तो यहाँ पर पहले हम दाना को रख लिए, ठीक है। और इसका चोच खोलते हैं और थोड़ा थोड़ा दाना डालते हैं, क्योंकि अगर ये भूखा रहा तो ऐसे करके ये मर भी सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे दाना चुगा देते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों अभी भी रुक नहीं रहा है, मतलब इसके पूरे पर कटे हुए हैं, फिर भी मतलब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इतना भयंकर कबूतर है ये। कबूतर को जो है दाना भी चुगा दिया और पानी पिला दिया और यहाँ बैठ चुका है कबूतर, ठीक है। सो फाइनली गाइस मैंने कबूतर को दाना चुगा दिया और पानी पिला दिया, और जंगली कबूतर को भी मतलब वो हाथ से मैंने दाना चुगाया आज और पानी पिलाया। मैंने कल भी हाथ ही से चुगाया था, क्योंकि वो जैसे मैं छत पर छोड़ता हूँ सेटअप पे, वो दाना चुगता नहीं, इधर इधर भागने लगता है। तो आप कमेंट में बताया मैं कैसे करके उसको जो अपने सेटअप पे उसको सेट करूँ, और वो कबूतरी जो हमारी बीमार है उसके ऊपर भी आपको कमेंट करना है कि मैं उसको कैसे ठीक करूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो, इसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा हालत उसका ख़राब है, तो अभी देखते हैं कब तक मैं ठीक हो कि नहीं होगी। मैं उसको अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने का। और जो मैंने कबूतर पकड़ा हुआ मैंने आपको शो कराया, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कबूतर आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है दोस्तों। अभी देखो तो हमारे सेटअप पर दो जंगली कबूतर भी आ चुके हैं, तो अभी शायद दाना चुगेंगे यहाँ पे, क्योंकि दाना यहाँ पड़ा हुआ है और हमने कबूतर को भी दाना चुगा के बंद कर दिया है। तो आई होप आपके आज की वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पहले बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको चैनल पर इस बार कंटेंट मिलते रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।